अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर हमेशा एक कल्ट क्लासिक रहेगी, क्योंकि सिनेमैटिक ब्रिलियंस और उतनी ही रिलेटेबल फिल्म बॉलीवुड में रेयरली देखने को मिलती है। फिल्म की कहानी, एक्टिंग, सिनेमाटोग्राफी, फिल्म का म्यूजिक, फिल्म का वायलेंस, इन्हीं चीज़ों की वजह से ये फिल्म इंडिया की ग्रेटेस्ट फिल्मों में से एक बन गई है। अनुराग कश्यप और फिल्म की कास्ट ने अपनी पूरी जान इस मास्टरपीस में लगाई थी। फिल्म को रिलीज हुए 9 साल हो गए, लेकिन आज भी इस फिल्म का जलवा पूरी तरह से बरकरार है। आज की वीडियो में हम इस इनक्रेडिबल फिल्म के बारे में 21 ऐसे फैसिनेटिंग फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आपको पता ना हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके। सत्या, शूल और कौन जैसी फिल्मों में साथ काम करने के बाद भी आपस में कुछ मतभेद के कारण 10 साल मनोज वाजपेयी और अनुराग कश्यप ने एक दूसरे से बात नहीं की थी। लेकिन अनुराग को लगता था कि सरदार खान के रोल को मनोज के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। अनुराग ने मनोज को फोन करके पूछा कि क्या वो स्क्रिप्ट सुन सकते हैं। अनुराग मनोज के आंसर के बारे में श्योर नहीं थे। इंटरेस्टिंगली मनोज ने तुरंत हाँ कर दी और वो रात 11:30 बजे स्क्रिप्ट सुनने के लिए अनुराग के घर पहुंच गए थे। उन्होंने पूरा नैरेशन सुना। सुनने के बाद उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही, हम इस किरदार का नाम सरदार खान रख सकते हैं क्या? और इस तरह से इस आइकॉनिक कैरेक्टर को सरदार खान का नाम दिया गया। विधायक जेपी सिंह को कूट दिए एसपी ऑफिस में, वो भी उसके बाप के सामने। सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको। अनुराग कश्यप जब शाहिद खान के किरदार के लिए सही एक्टर को ढूंढ रहे थे, वो मनोज वाजपेयी थे जिन्होंने जयदीप अहलावत अपने पाताल लोक के हाथीराम चौधरी उनका नाम रेकमेंड किया था। और तुमको क्या लगता है कि खदान रामाधीर सिंह के बाप छोड़ के गए थे क्या? पहले वो अंग्रेज बाहुबली थे, अभी रामाधीर सिंह, और कल रामाधीर सिंह की लाश पे पैर रख के शाहिद खान बाहुबली बने। विपिन शर्मा जिन्होंने एहसान कुरैशी का रोल किया था, उनके कैरेक्टर को बिलीवेबल रखने के लिए फिल्म के बहुत से सीन्स असली कसाई खानों में शूट किए गए थे। इन कसाई खानों के आसपास के कीचड़ में जानवरों का खून और बॉडी पार्ट्स दिखाई पड़ते थे। विपिन शर्मा ने यह सब देखकर कई बार उल्टियां की थी। अनुराग कश्यप और उनकी टीम ने कई समय तक मांसाहार नहीं किया, क्योंकि शूट के दौरान 60 से भी अधिक भैंसों और कैमल्स को उनकी आंखों के सामने काटा गया था। अनुराग कश्यप अपनी फिल्म में जहां तक हो सके चीजों को रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश करते हैं। फिल्म के शुरुआत के सीन में जहां शाहिद खान को कोयले की खदान में गार्ड द्वारा धमकाया जाता है, उस सीन को खदान का आर्टिफिशियल सेट बनाकर शूट करना चाहते थे, लेकिन कश्यप ठहरे कश्यप आखिरी समय में इसे बदल दिया और असली खदान में शूटिंग की गई। सुल्तान कुरैशी का किरदार पंकज त्रिपाठी ने कितनी बखूबी से निभाया है, कैसे एक दिन में 60 भैंसे सुल्तान कुरैशी खुद ही काटता है, ये उनके कैरेक्टर की विशेषता बताई गई है। एहसान कुरैशी के कैरेक्टर का इंस्पिरेशन अनुराग को शूट के दौरान आया था। कसाई खाने में एक 12 साल का लड़का पूरा भैंसा अकेले ही बिना किसी के मदद के काटता था। कश्यप साहब को उसकी तरफ देखकर आश्चर्य होता और वो सोचते कि बड़ा होकर ये कितना खूंखार होगा, और इस तरह से सुल्तान कुरैशी के कैरेक्टर को फिल्म में प्रेजेंट किया गया। सुल्तान सुल्ताना डाकू की बहन का बेटा है, जिसको एहसान कुरैशी ने अपने घर पे पाला है। 12 साल की उम्र में पूरा भैंसा अकेले काटता था और आज भी दिन का 60 भैंसा खुद तय काटता है। अनुराग कश्यप को लंबे समय तक सरदार खान का घर चुनने में कठिनाई हुई। बाद में उन्होंने उस घर को चुना जहां अनुराग और उनके भाई अभिनव का बचपन बीता था। फिल्म के ज्यादातर लोकेशन अनुराग के जवानी के दिन जहां गुजरे और उनकी यादों में जो प्लेसेस थे वहां शूट किए गए। अनुराग को तब बहुत कठिनाई आई जब एयरलाइन ने उनका स्क्रिप्ट रखा हुआ लगेज गंवा दिया था। अनुराग 2 दिन अपना लगेज वापस पाने के लिए एयरपोर्ट पर ही रुक गए। अनुराग कश्यप के 2 असिस्टेंट डायरेक्टर्स फिल्म के 2 गानों में दिखाई दिए। भूस के ढेर में राई का दाना, इस गाने में जहां सरदार खान जेल से भागने का प्लान बनाता है उसमें वासन बाला दिखाई देते हैं, जिन्होंने अनुराग के साथ अगली और बॉम्बे वेलवेट लिखी है। और दूसरे है श्लोक शर्मा, जो आई एम हंटर गाने में है। बाद में उन्होंने हरामखोर और जू ये फिल्में डायरेक्ट की। अनुराग के चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर सोहेल शाह की शूट के दौरान एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। फिल्म में बनारस में एक सीन की शूटिंग होनी थी जहां ब्रिज पर से जीप को क्रॉस करना था। सोहेल शाह ने खुद से जीप ड्राइव करने की ठानी। सामने 2 लोग चलते हुए अचानक दिखाई दिए, सडन टर्न की वजह से जीप गिर गई। अस्पताल पहुंचने तक ब्रेन हेमरेज की वजह से उनकी मौत हो गई। गैंग्स ऑफ वासेपुर को उन्हीं को डेडिकेट किया गया है। नासिर चचा और रामाधीर सिंह का कैरेक्टर अनुराग ने पीयूष मिश्रा और तिग्मांशु दुलिया को नायरेक्ट किया और उनके ऊपर छोड़ दिया कि कौन सा किरदार वो चुनना चाहते हैं। पीयूष मिश्रा रामाधीर सिंह का कैरेक्टर प्ले करना चाहते थे। अनुराग को लंबे समय तक पीयूष मिश्रा को कन्विंस करना पड़ा कि उन्हें फिल्म के नैरेशन के लिए उनकी आवाज़ चाहिए, और बाद में वो मान गए।
गैंग्स ऑफ वासेपुर का नरेशन ग्रेटेस्ट हिंदी फिल्म नरेशंस ऑफ ऑल टाइम्स में आता है। इंसान जो है बस दो नस्ल के होते हैं, एक होते हैं हरामी और दूसरे बेवकूफ, और ये सारा खेल इन दोनों का ही है। अब कब कोई हरामी बेवकूफी पे उतर आता है और कब कोई बेवकूफ हरामजदगी का तालाब बन जाता है पता ही नहीं चलता। फिल्म के पार्ट टू की शूटिंग के वक्त एक सीन में नवाज को एक छत से कूदना था। नवाज को वायर से बांध के सेफ्टी का ख्याल रखने के बावजूद भी सीन सही से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कैमरामैन और नवाज दोनों को एक साथ छत से नीचे आना था। कभी कैमरामैन जल्दी नीचे आ जाता तो कभी नवाज। बाद में बिना वायर के ही नवाज छत से कूद गए और सीन परफेक्ट शूट हुआ। सरदार खान मार्केट में रामाधीर के बॉडीगार्ड को छुरा मारने का सीन उतना ब्रूटल नहीं होता अगर विजुअल इफेक्ट्स की मदद से खून दिखाया जाता। सीन को बिलीवेबल दिखाने के लिए बॉडीगार्ड के स्वेटर के अंदर लाल रंग के छोटे छोटे बलून्स रखे गए और बॉडीगार्ड के ही हाथ में पिन वाली अंगूठी पहनाई गई। जब सरदार खान उसे छुरा मारता तब वो उस जगह अपने हाथ की रिंग से स्वेटर के अंदर के बलून को पिन चुभता था, और इस तरह से ये आइकॉनिक सीन शूट किया गया। गैंग्स ऑफ वासेपुर असल में एक ही फिल्म थी जो 5 घंटे की थी, पर कोई भी थिएटर वाला 5 घंटा लंबी फिल्म को चलाना नहीं चाहता था, इसलिए बाद में इसे 2 पार्ट्स में रिलीज किया गया। गैंग्स ऑफ वासेपुर बॉलीवुड की पहली ऐसी कमर्शियल फिल्म थी जो 2012 के कांस फिल्म फेस्टिवल में डायरेक्टर्स फोर्टनाइट सेगमेंट में फीचर्ड थी। फैजल खान की मौत एंड में कैसे होती है हम सब ने देखा, लेकिन फहीम खान जिनसे फैजल खान के किरदार का इंस्पिरेशन लिया गया था वो अभी भी जिंदा है और धनबाद की जेल में कैद है। गैंग्स ऑफ वासेपुर की स्टोरी जीशान कादरी जिन्होंने डेफिनेट का रोल किया उन्होंने लिखी थी, लेकिन वो वासेपुर और उसके क्राइम्स को इस तरह बताती है जैसे कि हिस्ट्री लिखी गई हो। बाद में अनुराग के साथ मिलकर इसे फिल्म के स्टोरी के लिए डेवलप किया गया। अनुराग कश्यप ने इस फिल्म से अपने तरीके से क्वांटिन टेरेंटिनो के यूनिक डायरेक्शन स्टाइल को ट्रिब्यूट दिया है। कुछ अनएक्सपेक्टेड स्क्रीन पर ले आना और ऑडियंस को एक ही वक्त क्यूरियस और अनकंफर्टेबल कराना अनुराग कश्यप को बखूबी आता है, फिर वो शाहिद खान के मौत का सीन हो या फैजल खान के मौत का। इन 2 सीन्स में किसने गोली चलाई ये हमें स्क्रीन पर नहीं दिखाई देता, लेकिन सरदार खान की मौत की सीन में किसने उन पर गोली चलाई ये साफ साफ दिखाई देता है। सरदार खान की और गॉडफादर के सनी कॉर्लियोन की मौत एक जैसी ही हुई थी, ये तुलना रोचक है। दोनों को भी अनएक्सपेक्टेडली शूट किया गया था। 2 सीन में भी आसपास के लोगों ने मदद नहीं की और दोनों ही कार से जिंदा बाहर आते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि सरदार खान इतनी गोलियां खाने के बाद भी आगे तक जाने में सफल रहा। सनी के ऊपर कार से बाहर आने के बाद भी गोलियां चलाई गई। नवाज उन चुनिंदा एक्टर्स में से है जो अपने टैलेंट से कैरेक्टर को एक लाइफ देते हैं, और फैजल खान के किरदार को प्ले करके उन्होंने ये साबित कर दिया है। फिल्म के क्लाइमैक्स को शूट करते वक्त उनके बचपन का एक इंसिडेंट उनको याद आया, जिसमें एक औरत को दरिंदगी से मारा गया था और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। रामाधीर को मारते वक्त नवाज खुद को इसी साइकोलॉजिकल स्टेट में महसूस कर रहे थे, और वो सीन कितनी शानदार तरीके से उभर कर सामने आया ये हम सबको पता है। आज के उभरते सितारों में से एक विक्की कौशल इस फिल्म में अनुराग कश्यप के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। वो इसी फिल्म को अपने सिनेमा की स्कूलिंग बताते हैं। उनको जितना टाइम सेट्स पर बिताने को मिला, दिग्गज एक्टर्स की एक्टिंग देखने को मिली और अनुराग सर का डायरेक्शन देखने को मिला, ये उनके एक्टिंग करियर के लिए बहुत बड़ी सीख थी। विक्की कौशल के पिताजी श्याम कौशल इस फिल्म के एक्शन डायरेक्टर थे। ये फिल्म जितनी ग्रेट थी उतनी ही उसके बनने की कहानियां इंटरेस्टिंग है। आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर क्यों स्पेशल लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।